आपने श्रीमद् भगवद् गीता, बाइबल और पुराण जैसे कई धार्मिक पवित्र ग्रंथों के बारे में सुना होगा या इन्हें पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में कहीं ना कहीं शैतान की भी अपनी एक किताब है। कहा जाता है कि जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में भगवान को प्रसन्न करने और उनका आह्वान करने या उन्हें समझने के लिए मंत्र दिए गए हैं, ठीक उसी तरह से शैतान की इस किताब में शैतान को बुलाने और उन्हें प्रसन्न करने से जुड़े मंत्र और विधि दी गई है। शैतान की इस किताब का नाम है कॉडेक्स गीगास, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। डेविल की यह बाइबल आम किताबों से बिल्कुल अलग है, यहाँ तक कि इस किताब को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब भी माना जाता है। कॉडेक्स गीगास में सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक आइडियोलॉजीज दी गई हैं, जो आपको हमेशा गलत काम करने के लिए ही प्रेरित करेंगी। क्या आपने डेविल्स बाइबल नाम की किसी बुक के बारे में पहले कभी सुना था? अगर नहीं तो हमारी आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम कॉडेक्स गीगास के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि इस किताब में ऐसी क्या खासियत है जो इसे बाकी किताबों से बिल्कुल अलग बनाती है, क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताब माना जाता है और क्या है डेविल्स बाइबल की इस दुनिया में आने की कहानी। दरअसल इसके पीछे की कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। उस वक्त एक सन्यासी हुआ करता था जो एक मठ में रहा करता था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो सन्यासी मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगता है और मठ में मौजूद लोगों की प्रतिज्ञाओं को तोड़ने लगता है। ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगती है और एक वक्त आता है जब ये बात उस नगर के राजा तक भी पहुंच जाती है। उस सन्यासी को राजा के सामने पेश किया जाता है और शुरू हो जाती है उसके जुर्म की जांच पड़ताल, जिसके लिए कमेटी बनाई जाती है जो ये साबित कर देती है कि उस सन्यासी ने मठ के नियमों को तोड़ा है। जुर्म साबित होने पर सन्यासी को ये सजा दे दी जाती है कि उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। ऐसे में अब सन्यासी की मौत तो तय थी, इसके लिए वो राजा के सामने एक आखिरी प्रस्ताव लेकर जाता है। सन्यासी कहता है कि वो सबको एक ऐसी किताब लिखकर दिखाएगा जो पूरे मानव समाज के लिए बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी किताब साबित होगी। इसी के साथ वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मठ पर कोई कलंक लगे, लेकिन इस सब के बदले सिर्फ उसकी जान बख्श दी जाए। राजा सन्यासी के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन इसी के साथ वो सन्यासी के सामने एक शर्त भी रखता है। शर्त ये होती है कि उसे ये किताब सिर्फ एक रात में ही लिखनी होती है। अगर सन्यासी ऐसा कर लेता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका मरना तो तय है ही। सन्यासी राजा की शर्त को तुरंत मान लेता है और उस किताब को लिखने बैठ जाता है। जैसे ही आधी रात हो जाती है, उसे अनुभव होने लगता है कि वो अकेले ही अगली सुबह तक अपनी उस किताब को पूरा नहीं कर पाएगा। यही सब सोचते हुए वो हार मान लेता है और परेशान हो जाता है कि वो अब अपनी जान कैसे बचाएगा। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। सुझाव ये होता है कि वो एक अलग तरह की प्रार्थना करके सीधा शैतान को बुलाएगा और उससे अपनी उस किताब को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेगा। वो ऐसा ही करता है, प्रार्थना करके शैतान को अपने सामने बुला लेता है और शैतान से ये कहता है कि अगर वो उसकी किताब को सुबह होने से पहले पूरा कर देगा तो वो अपनी आत्मा शैतान को सौंप देगा। शैतान सन्यासी की इस बात को मान लेता है और किताब को पूरी कर देता है। जैसे ही सुबह होती है, सन्यासी शैतान द्वारा लिखी उस किताब के पन्नों को पलट कर देखता है तो पहले ही पन्ने पर उसे शैतान की तस्वीर दिखाई देती है। और तो और, उस किताब में शैतान की सिर्फ एक ही तस्वीर नहीं थी, बल्कि पूरी किताब एक से बढ़कर एक डरावनी तस्वीरों से भरी पड़ी थी। इसी के साथ किताब में सूरज और चांद जैसे कुछ सिंबल्स के साथ स्वर्ग और नरक से जुड़ी तस्वीरें भी बनी हुई थी। शैतान की इस किताब में लिखा गया था कि शैतान की पूजा करो, शैतान को मानो, यानी एक तरीके से ये किताब भगवान को छोड़कर शैतान को पूजने और याद करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं शर्त के मुताबिक सुबह होते ही शैतान सन्यासी से उसकी आत्मा छीन लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। उसी समय नगर के लोग राजा के दरबार में इकट्ठा होने लगते हैं उस सन्यासी से जुड़ा आखिरी फैसला सुनने के लिए। तभी दरबार में उस किताब को लाया जाता है और जैसे ही उस किताब को सबके सामने खोला जाता है तो उसे देखते ही कई लोग अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं और उस किताब के सबके सामने आने के पहले ही दिन से वो लोगों के बीच चर्चा और आश्चर्य का विषय बन गई। कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि वो किताब सिर्फ एक रात में लिखी गई है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी किताब थी जिसमें कुल 160 पन्ने थे, तो जाहिर सी बात है कि वो एक भारी भरकम किताब होगी। यहाँ तक कि उस किताब का वजन कुल 85 किलो के आसपास बताया जाता है।
जिसे उठाने में कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसी इंसान का एक रात में ऐसा लिख पाना नामुमकिन सा ही लगता है। यहाँ तक कि उस किताब के पन्ने कागज के नहीं बल्कि द डेविल्स बाइबल के पन्नों को चमड़े यानी लेदर से बनाया गया था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोगों को उस किताब को देखते या पढ़ते ही गलत या बुरे ख्याल आने लगते हैं और उनका मन विचलित होने लगता है। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कई लोग उस किताब को देखकर या पढ़कर तो पागल भी हो गए। यहाँ तक कि रिसर्चर्स का भी ये मानना है कि पुराने वक्त में चमड़े के पन्नों पर ऐसी किताब सिर्फ एक दिन में लिख पाना नामुमकिन है, और अगर दिन रात लगाकर भी लगातार इस किताब को लिखा जाए तब भी इसे पूरी तरह से लिखने में कम से कम 20 साल का वक्त लगेगा। आज ये किताब स्वीडन की एक लाइब्रेरी में मौजूद है, जिसे बिल्कुल सुरक्षित करके लोगों से बचा कर रखा गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस किताब को किसी संदूक में बंद करके या सबकी नजरों से छुपा कर रखा गया हो, बल्कि आज भी उस लाइब्रेरी में इस किताब को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। वहीं लाइब्रेरी में उस किताब को देखने वाले कई लोगों का ऐसा कहना है कि उस किताब को देखकर उनके मन में बेचैनी पैदा होती है और उनके मन में खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आते हैं। हालांकि अभी तक कोई नहीं जान पाया है कि इस किताब को किसने लिखा है, क्योंकि किसी ने भी सन्यासी या शैतान को उस किताब को लिखते हुए नहीं देखा। और ऐसी किताब को एक रात में लिख पाना किसी आम इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। ऐसे में यही बातें कही जाने लगी कि इस किताब को किसी और ने नहीं बल्कि खुद शैतान ने लिखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक आइडियोलॉजीज लिखी हुई है, इसलिए ये सब कोई पवित्र आत्मा नहीं कर सकती। और कुछ इसी तरह से इस किताब का नाम रख दिया गया द डेविल्स बाइबल या कोडेक्स गीगास। क्या आपने पहले कभी कोडेक्स गीगास या डेविल्स बाइबल के बारे में सुना था? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने इसके बारे में कौन सी बातें सुनी, पढ़ी या देखी हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।